हेलो गाइस, सी नोट चैनल में आपका स्वागत है। नॉर्मली मैं अपलोड करने वाले गोस्ट वीडियोस, थ्रिलिंग वीडियोस के नीचे आने वाले बहुत सारे कमेंट्स क्या है, देखे तो प्रूफ है क्या? वैसे कमेंट्स करने वाले और डाउट आने वाले लोग ये वीडियो को लास्ट तक का देखिए। अभी ये वीडियो को देख रहे बच्चे लोग और रात के समय अकेले ये वीडियो को देखने वाले, एक बार ये वीडियो को देखना है कि बोल के सोच के उसके बाद देखिए। पूरी दुनिया में एविडेंस के साथ मिला एक गोस्ट वीडियो को ही आज हम लोग ये वीडियो में देखने वाले। आज हम लोग जिसके बारे में देखने वाले, उनका नाम एलिसा लैम। 21 ईयर्स के एलिसा सेजिल बोल के एक होटल में स्टे करते समय उनको लास्टली सब लोग जिंदा देखे। January 31, 2013 एलिसा बोल के कॉलेज पढ़ने वाली लड़की सेजिल बोल के एक होटल में आके स्टे करती है। सही से 18 दिन के बाद February 19 वो होटल के टेरेस में वाटर टैंक के अंदर एलिसा लैम की बॉडी मिला है, नेकडली बिना कुछ ड्रेस के। ये भी कैसे मालूम पड़ा है देखी तो, होटल में थे लोग सब पानी आके बहुत ही रेड कलर में आ रहा है और उसका टेस्ट भी आके बहुत ही कड़वा है बोल के कंप्लेन करे तो, अच्छा क्या प्रॉब्लम है बोल के टेरेस में जाके टैंक के अंदर देखे तो उधर आके एलिसा लैम का बॉडी था। तभी पुलिस एलिसा लैम के केस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। तभी वो होटल के लिफ्ट में था, CCTV कैमरा फुटेज मिला तो बहुत ही मिस्टीरियस था। एलिसा लास्टली ये वीडियो में ही जिंदा थे। ये वीडियो को देख के आपको ये अच्छे से समझ में आ गया रहेगा कि एलिसा लैम लिफ्ट के अंदर भाग के आके कौन से फ्लोर जाने का बोल के बटन भी आके प्रेस करे, उसके बाद किसी से बच के आए हुए जैसा डर के थोड़ा सा जाग के देखते हैं। इसके बाद किसी को देख के डर के छुपते, लेकिन उनको कौन फॉलो कर रहा था बोल के CCTV फुटेज को कंटिन्यूसली देखे तो बहुत ही मिस्टीरियस था। एलिसा थोड़ी देर में किसी से बात करने लगते, लेकिन कैमरा में उधर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद एलिसा किसी को छू के भी बात करने लगते, लेकिन अगेन कैमरा में कोई भी नहीं था। थर्टीन में सिर्फ वो होटल के लिफ्ट के अंदर ही कैमरा रहने की वजह से और बाहर हॉलवे में सब कुछ भी कैमरा नहीं रहने की वजह से कौन एलिसा को फॉलो कर रहा है बोल के क्लियरली पता नहीं चला है। इन्वेस्टिगेशन में मिले इन्फॉर्मेशन क्या है देखे तो, रिचर्ड रेमरेस बोल के एक सीरियल किलर 13 जन का मर्डर करके पुलिस के पास फंस गया। उसको पुलिस पकड़ते समय ये होटल में ही था और उसके रूम में 13 जन का स्कल और बोन सब था। वो क्या है बोल के पूछे तो, वो जिनका भी मर्डर करा है उनका स्कल है और उनके आत्मा के साथ आके वो डेली बात करता है बोल के बोले। पुलिस रिचर्ड को पकड़ के लेके जाते समय रिचर्ड मैं और 2 हफ्ते में मर जाऊंगा बोल के बोला है। सच में रिचर्ड 2 हफ्ते के बाद जेल के अंदर मर गया। डॉक्टर भी रिचर्ड क्यों और कैसे मरे बोल के फाइंड आउट नहीं कर पाए। 13 साल के बाद रिचर्ड थे वही रूम में, एलिसा भी आके स्टे करते हैं। एलिसा को जो फॉलो कर रहे थे और एलिसा लिफ्ट के अंदर जिससे बात कर रहे थे वो सब आके रिचर्ड के आत्मा ही है बोल के एक थियरी है। ये होटल में एलिसा का केस 100 में से एक ही है, क्योंकि 1991 में जैक अंडरवेगर बोल के 10 मर्डर करे एक सीरियल किलर को ये होटल में ही अरेस्ट करे थे। 1964 में ये सेजिल होटल में वो एक मर्डर को 50 साल होने के बाद भी आज तक का वो मर्डर आके कौन करा बोल के पुलिस आके फाइंड आउट नहीं कर पाए। और 60 से भी ज़्यादा जन ये होटल के बालकनी से नीचे गिर के सुसाइड करके मरे, इसमें से किसी के भी रूम में वो क्यों मरे बोल के एक सुसाइड लेटर या सुसाइड नोट कुछ भी नहीं था। उनके बिल सब देखे तो फूड शॉपिंग सब करके खुश ही थे, लेकिन विदाउट एनी रीज़न क्यों इतने सारे जना के सुसाइड कर लिए ये सब एक कन्फ्यूजन रहेगा। तो भी एलिसा लैम के केस भी आके कन्फ्यूजन ही है। एलिसा का बॉडी जिधर मिला था वो टैंक में, वो टैंक का हाइट क्या है देखे तो 10 फीट है, लेकिन एलिसा का हाइट 5 फीट ही है। सो उनसे 2 गुना हाइट है वो टैंक में, एलिसा कैसे विदाउट एनी लैडर विदाउट एनी सीढ़ी के बिना कैसे चढ़े रहेंगे।
सपोज एलिसा वो टैंक के ऊपर चढ़ के रहेंगे तो भी वो टैंक के लेट मतलब ढक्कन को आके खोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो ढक्कन का वेट आके 30 किलोस है। सपोज वो ढक्कन को खोलना रहेगा तो भी होटल से दो जना के वो ढक्कन को खोलते, अकेले एलिसा वो ढक्कन को आगे खोल ही नहीं सकते बोल के बोल रहे। सो अगर एलिसा वो ढक्कन को खोल के अंदर कूद गए रहेंगे तो भी वापस से वो ढक्कन को आके बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एलिसा का जब बॉडी मिला था तभी आके वो ढक्कन बंद था। एलिसा को कौन फॉलो कर रहे थे, एलिसा किससे बात कर रहे थे, एलिसा को जो फॉलो कर रहे थे वो क्यों कैमरा में नहीं दिखे, अगर वो मनुष्य नहीं है तो वो क्या है, एलिसा का बॉडी कैसे टैंक के अंदर गया, टैंक का ढक्कन कैसे क्लोज हुआ, एलिसा का बॉडी में क्यों एक भी ड्रेस नहीं था, ये सब क्वेश्चन का आंसर आके एलिसा ही बोल सकते हैं। ये हो कि 5 साल होने के बाद भी पुलिस एक केस में से एक भी क्लू आके फाइंड आउट नहीं कर पाए। सो गाइस ये था वीडियो, अगर मैं और किसी टॉपिक में बात करना चाहूँगी तो वो आके नीचे कमेंट में बोलिए, अगर वीडियो चलो तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।